मेरे ख्याल में हम इतने एकेडमिक साउंडिंग नहीं होंगे. रियलिटी फ्रेम्ड एज कॉमेडी. आइडिया बेसिकली ये है कि लोग समझते हैं कि जी रियलिटी बहुत अब्सर्ड हो गई है और काफ़ी लोग उसे घबराना भी शुरू हो गए हैं, डरने लग गए हैं. लेकिन कोई लोग हैं जो बाय नेचर विटी होते हैं, सार्केस्टिक होते हैं, कमेडियंस होए, स्टैंड अप कमेडियंस होए वगैरह, वो उसमें भी ह्यूमर देख लेते हैं, विच इज़ वेरी हेल्दी आई थिंक. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतनी पोलराइजेशन है आजकल दुनिया में और हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में बहुत ही डेंजरस किस्म की पोलराइजेशन हो गई है कि इवन पीपल हु फाइंड ह्यूमर इन दिस पोलराइजेशन एंड इन दिस अब्सर्ड रियलिटी विच कीप्स स्विंगिंग बैक एंड फोर्थ एवरी डे, उसमें भी उनको ह्यूमर में भी गुस्सा आ जाता है. और जो मेरे साथ जो ज़्यादातर लोग बैठे हैं, स्पेशली ये जो हैं मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा चौधरी एंड शहजाद, इन बेचारों को तो बहुत ही गालियाँ पड़ती हैं, मुझसे भी ज़्यादा. बट दे कीप गोइंग ऑन बिकॉज दैट्स हाउ दे आर इन रियल लाइफ एज वेल. एंड लाइक आई सेड, इट्स वेरी हेल्दी थिंग एंड लेट्स कीप इट हेल्दी. तो इनके तो मैंने कर दिया. अंबर इज़ अ वेरी, रहीम शमसी इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट. And she is here because she also has a fantastic sense of humor. And I thought that इनका मैं एक चीज बता दूं, जब हम इन्होंने हमारा पोस्टर जब लगाया उसमें मेरी तस्वीर थी, इन तीनों की तस्वीर थी, तो ऊपर इन्होंने लिख दिया रजिया गुंडों में फंस गई. इस वजह से साइड पर बिठाया आपने. तो पूरे इवेंट में इनको हम रजिया कह के खिताब करेंगे. ये मेरी नानी का नाम है. अच्छा. So let's start with Shahzad, first of all. Shahzad, yaar, tum stand-up comedian bhi ho, lekin tum ek bahut hi serious podcast bhi karte ho, which is watched by millions of people, jabki wo 3-3 ghante ke hote hain. You talk to journalists, you talk to scholars, you talk to politicians, you talk to religious Islamic scholars as well. Ek tumhari wo side hai jisme tum apni सीरियस बातें करते हो, बट हमारी एक और साइड है इन विच यू आर अ स्टैंड अप कॉमेडियन. तो हाउ डू यू बैलेंस दिस? कभी कभी दोनों मिक्स तो नहीं हो जाते? सर, हर वक्त ही दोनों मिक्स हो जाती हैं. मुझे खुद नहीं समझ में आता कि हर इंसान में ये दोनों साइड होती हैं. आई डोंट नो व्हाई वी बॉक्स पीपल इन. इफ यू लुक एट इट अराउंड द वर्ल्ड, जॉन स्टुअर्ट हैज जस्ट रिटर्न टू डू द डेली शो. इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल वॉइसेज इन द न्यूज इन अमेरिका डिस्पाइट बीइंग अ कॉमेडियन. If you look at the late night comedy shows, whether it's Colbert, whether it's Fallon, whether it's Kimmel, all of these people are comedians. John Oliver, Trevor Noah. But wo tazaad jo hai wo ek American audience ke zehen mein nahi aata ke yaar tum to ek comedian ho, tum serious baat kaise kar sakte ho. I think somehow we've reduced the role of the comedian to the court jester. Even though agar aap historically court jester ka bhi role dekhe, aap agar Shakespeare mein fool ka role dekhe, अगर आप भांड्स को देखें, अमानुल्लाह साहब को देखें, अमानत चंद को देखें, देयर इज अ लॉट ऑफ सोशल सबवर्जन इन दैट कॉमेडी. बट हमने उसको समहाउ रिड्यूस कर दिया है और मसला बहुत हो जाता है. अभी हम एक इलेक्शन एनालिसिस कर रहे थे तो एक बहुत सीरियस जर्नलिस्ट आई हुई थी पॉडकास्ट पर. तो उन्होंने बोला कि खान साहब ने इस इलेक्शन में प्लान बी इस्तेमाल किया है. तो आई सेड, खान साहब तो जवानी से प्लान बी इस्तेमाल कर रहे हैं. I have an obsession on IK and you have an obsession with me. I know, I can see you're screaming. Chale, my abhi, name abhi, from abhi the audience. Engage karenge, abhi questions answer session aa jayenge. Aap, aur main to keh raha hu iski video bhi bana le kareeb aage. Achha, kar lenge aage aap. Main, before we go on, 0333 36. जी शहजाद, पूरी करें अपनी बात. तो वो मुझे, मेरे जहन में तो कोई चीज़ ताज़ाद नज़र नहीं आती इन चीज़ों में कि यार एक आदमी संजीदा बात भी कर सकता है, एक आदमी कॉमेडी भी कर सकता है. ऑडियंस कन्फ्यूजन उससे हो जाती है, बट समहाउ आई एम सर्वाइविंग सो फार. ऑब्सेशंस भी चल रहे हैं, कॉमेडी भी चल रही है, ज़िंदगी भी चल रही है. जब तक कोई वीगो डाला नहीं आ जाता, इसी तरह काम चलाते रहेंगे.
अच्छा मुस्तफा सर, तुम लोगों ने स्टार्ट किया फोर मैन शो। जी जी, वैसे तो आपने स्टार्ट किया था एक वर्ड से, उसको हम आगे लेके गए। वो ठीक है, लेकिन वो एकदम से वो, अच्छा वो भी अजीब टाइम थे, मुशरफ के टाइम एंड चल रहा था, लॉयर्स मूवमेंट चल रही थी, तो एक अजीब सी ओपनिंग मिल गई थी। तो आई रिमेम्बर वी कुड गेट अवे बाय आफ्टर सेइंग सो मच, और हम निकल जाते थे, कुछ भी कह देते थे, तो उसके बाद क्लैम्प डाउन हुआ। लेकिन आप लोगों ने आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शुरू किया, और एक नई किस्म की कॉमेडी, एक जगह तो आप जियो पे आप देखते थे हम सब उम्मीद से हैं, विच वॉज जस्ट पैरोडी मिमिकिंग वगैरह, मतलब आप लोगों का जो मवाद था उसमें एक अब्सर्ड ह्यूमर था, ठीक है, और प्लस में सियासी ह्यूमर तो था ही था, लेकिन आप सोशल उस पर भी करते थे। लेकिन वो मेरे ख्याल में कितना, 3-4 सीजन चला था फोर मैन शो? जी तकरीबन 3-4 साल। 3-4 साल चला। अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने लोगों ने शुरू किया बनाना रिपब्लिक, राइट, जियो पे? बी एन एन शुरू किया। अच्छा मुझे बताएं उस वक्त के टाइम पे और आज के वक्त जब आप करते हैं, मैंने लगता है रिएक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा नेगेटिव आजकल आपको आता है कंपेयर टू जो पहले, वो क्यों? पहले आप नवाज शरीफ को, जरदारी को गाली देना आसान था, और अब इमरान खान को गाली देना मुश्किल हो गया। बात आपकी किसी हद तक बिल्कुल ठीक है, और शायद उस ज़माने में सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना अब हो गया है, तो अब आप सबकी रीच में होते हैं, क्योंकि अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है तो। मैंने तो दुनिया की ऐसी ऐसी गालियां सुन ली हैं कि मेरी वकैब भी बहुत ज़्यादा हो गई, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं सुना भी दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। सुनाओ, सुनाओ। कुछ सुना दें, कुछ सुना दें। इरशाद, इरशाद। एक दफ़ा एक बंदे ने मुझे बोला, ओए कंजर तू इमरान खान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैंने कहा भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, कहना क्या चाह रहे हैं? कह रहे सॉरी जिगर लिख रहा था, गलती से कंजर लिख। तो वो बेसिकली मैं कैसे कैसे भूल जाऊँ एक ऐसे शख्स को जिसने 25 साल मेरा इंतजार किया उसने बड़े होने का, मैं तो नहीं भूल सकता उसको। दूसरा ये कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के जो टाइम पे वो तमाम लोग जो हमेशा से थोड़े लिबरल भी रहे और फौज को सपोर्ट भी करते रहे, किसी भी आमर को, उनको एक वे आउट मिल गया कि चलो यार हमारे अंदर ये तो है ही, साथ ही साथ हमें जो है एक पॉलिटिकल पार्टी की का भी लग जाएगा साथ। तो फिर वो पीटीआई वाले भाई जो हैं हमारे वो थोड़ा ज़्यादा हो गए, और फिर ना सिर्फ वो ज़्यादा हुआ, उन्होंने अपने अंडे बच्चे बहुत दिए और वो इतने फैल गए, इतने फैल गए कि अभी इलेक्शन में आपके सामने आ गए सब। वो तो खंबे को भी वोट देगा तो जीत जाएगा भाई। ये पहले हमने एमक्यूएम के बारे में सुना था, वो तो शुक्र है इनके पास गन नहीं आती इनको चलाना। अच्छा मुर्तजा मुझे बताओ, जी सर, तुम लीडर देखे जाते हो बैच के, जो तुम्हारा जो मेन एक कोर टीम है, ठीक है, आजकल टीवी पे आना मुश्किल हो रहा है, बिकॉज जियो पे तुम लोगों ने किया, आज भी किया, लेकिन उसके बाद कुछ चैनल से कोई कनेक्शन नहीं बना तुम लोग, शायद आने के बीच में कोशिश की थी एक दो चैनल में, लेकिन वो शो चल नहीं गए, क्या रीज़न था? सर मुझे लगता है कि जब हमने स्टार्ट किया था तो ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त टीवी पे वही लोग आते थे जो आ सकते थे। अब तो अगर आप सीरियस उसमें देखें तो टीवी पे वो जर्नलिस्ट आते हैं जो गेट नंबर 5 से आते हैं, और मशहूर होने के लिए सिर्फ आपको एक वीडियो बनानी होती है कि पारी हो रही है तो आप मशहूर हो जाते हैं। उस वक्त थोड़ा मुश्किल था, और हमारे साथ हुआ ये कि बाय द टाइम जब हम आप बोल रहे हैं कि हम नहीं आ सके, तो 2020 में हमारी किसी चैनल से बात हुई, बट वहाँ पर कोई एक ऐसा कल्ट मौजूद था जो चाहता था हम ना आए। अच्छा। तो उस कल्ट ने हमें कहा कि आप नहीं आ सकते। अच्छा। करीम वाले लड़का हर जगह है। उसने हमें आने नहीं दिया, आना चाहते थे। डू यू एग्री ये हुआ है कि लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया? आई एम श्योर द सिचुएशन इज वेरी बैड, स्पेशली दीस डेज। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि 15 साल में जो कुछ हमने किया है डिफरेंट पार्टियों के साथ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या, और वो सब यूट्यूब पे है, वो लोग समझते हैं कि शायद हम अभी कर रहे हैं, बट वो सारा मवाद मौजूद है, ऑन रिकॉर्डेड है। आज के दिन जो है ना, कोई भी अपने सो कॉल्ड जिसको खुदा बनाया हुआ है या लीडर बनाया हुआ है उसके खिलाफ कोई बात सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उसके जहन में जो भी पेंट किया हुआ उसने, बहरहाल उसकी अपनी वो है, वो शायद पसंद भी करता उसको। लेकिन पहले लोगों के अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा थी, आजकल जो है वो बर्दाश्त उल्टा हो गया माशरे के साथ। 10 साल पहले माशरा बेहतर था, अब हालांकि हम समझते हैं कि सब कुछ किया हमने भी, आपने भी, शहजाद ने भी, अंबर ने भी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमें लगता है कि हमने जो कुछ भी किया शायद हमने गलत तरीके से किया, तो माशरा खराबी की तरफ ज़्यादा चला। अंबर, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस?
when what these guys are saying. मैं वैसे मैं नहीं समझती कि लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर खत्म हो गया है, क्योंकि अगर आप देखें, जैसे आपने शुरू में इब्तदाइया में कहा था ना कि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि सहाफी भी कॉमेडियन ही बने हुए हैं ना, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रही. पता अब चला थे पुराने. मुझे बताएं कि इस वक्त हकीकत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, उसमें तफरीक हम कैसे करें. ये सहाफी कर पा रहे हैं, ये तर्जुमानी कर पा रहे हैं. कुछ जाहिर है सेंसरशिप है, कुछ पार्टिजनशिप है, तरफदारी करते हैं. तो इसकी वजह से मैं समझती हूँ कि जब इस पूरी जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, हुकूमत नहीं बन पा रही. ऐसा मुल्क है जहाँ इंतखाबात तक पिछले साल होने थे, नहीं हुए कानून के मुताबिक. इस वक्त जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन के बाद जो हुकूमत बनी थी, पता ही नहीं है कि कौन वज़ीर आज़म है. ये कोई नॉर्मल मुल्क तो नहीं है ना. तो मेरे ख्याल में कि इस वक्त लोगों के एक ही तरीका है कि वो अपने गुस्से का इजहार कर सके या कन्फ्यूजन का इजहार कर सके, वो कॉमेडी के थ्रू है. वो मैं समझती हूँ कि जैसे आप मीम्स, एक वो मशहूर मीम है ना, इसमें सब लोग भंगड़ा डाल रहे हैं और डांस कर रहे हैं, वो हर चीज़ पाकिस्तान की हर सूरत हाल भी अप्लाई करता है. वो क्या है, आप लोगों की को गालियाँ तो ज़रूर पड़ती होंगी, लोगों देखते भी हैं लोग. मुझे तो लग रहा है आपने भी कोई आईडी बनाई हुई है हमें गालियाँ देने के लिए. नहीं नहीं, तुम सही कह रहे हो. गुलाम हुसैन साहब जो है ना, चौधरी गुलाम हुसैन, उन पर तो शक है मुझे. नहीं, बिकॉज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुर्तज़ा का, अगर मुस्तफ़ा का अगर तुम ट्विटर आप चेक करें हैंडल, तो जहाँ नीचे आपको गालियाँ बहुत नज़र आएंगी, लेकिन वो हज़ारों में लाइक्स भी होती हैं. देर आर पीपल, आपने इनबॉक्स नहीं देखा मुस्तफ़ा का? सर वो हज़ारों में गाली को लाइक करते हैं, इसको लाइक. अच्छा, ये सुना है मैंने, ये यानी घुस के अंदर फट जाते हैं, इनबॉक्स में घुस के मारते हैं. अगर आपको गाली दे रही होते हैं, आप उन बंदे के इनबॉक्स में चले जाते हैं, यानी आप ब्लॉक भी नहीं करते, कुछ नहीं, लेकिन अंदर चले जाते हैं. तो मुझे कोई किस्सा सुना है ना, जो जरूरत इतना, यू नो. एक दफ़ा एक बंदा मुसलसल गालियाँ दे रहा था. वैसे ज़्यादातर जो मैं हंट करता हूँ लोग, वो हमारी जो खवातीन जर्नलिस्ट हैं, सना बोच्चा मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनको अक्सर लोग दे रहे होते हैं. तो अगर उनमें से किसी का खुला होता है इनबॉक्स, तो मैं उसको जाके फिर उसी की ज़बान में उसको गालियाँ देता हूँ. तो एक दफ़ा तसल्ली नहीं हुई उसको, इतनी मैंने गालियाँ दी, तो मैंने उसका पीछे इंस्टाग्राम तक किया. और उसके जो वॉल थी, उसके अंदर फूफियों के साथ भी तस्वीरें थी उसकी. मैंने कहा जाएगा कहाँ तू, अब पता चलेगा तुझे. तो ज़ाहिर है वो बेचारा वो शॉक हो गया, और उसने मुझे इनबॉक्स किया, कहता है कि तुम बहुत घटिया आदमी हो. मैंने कहा तुम तो यहाँ पर आइंस्टाइन का क्रास घूम रहे हो ना मेरे भाई. तो ये मेरे ख्याल में लोग परेशान होते हैं, वो इसको वो करना चाहिए, नॉर्मल लेना चाहिए. या तो आप पढ़े ही ना, मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, वो बोलते हैं यार ये मैं परेशान हो गया, इतनी गालियाँ देते हैं लोग. मैंने कहा या तो आप भी दे दो भाई बदले में, अगर नहीं दे सकते तो वो कमेंट पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं. सिद्धार्थ, तुम्हारा क्या ख्याल है, मतलब जितनी इंटेंसिटी गालियों की होती है, जिस तरह की बात होती है, तो उसी टोन में वापस देनी चाहिए, उसी कॉइन में? जितनी मुझे गालियाँ देती है, अगर उसी टोन में मैं शुरू हो जाऊँ, तो फिर तो पूरा दिन उसी में गुजर जाएगा. मेरी स्ट्रैटेजी है टू ब्लॉक. आप अगर कोई काम कर रहे हैं, जिस तरह मेनली मेरी वीडियोज़ यूट्यूब पे होती हैं, दे फ्री टू वॉच फॉर एनीबडी, राइट? आई डोंट नीड टू एंगेज विद एवरीबडी हु वॉचेज दैट वीडियो. तो अगर अक्सर गालियों के अलावा भी कोई होते हैं जो लोग मैसेज करते रहते हैं कि तुम मुझे बताओ इसका जवाब, भाई मैं तुझे क्यों बताऊँ? तो पर्सनल वो जो एक एंटाइटलमेंट आती है ना, कि आप सेशन में बैठे हैं, आप पैनल देखने आए हैं, ऑडियंस से कोई बोले कि यू हैव एन ऑब्सेशन विद आईकी, ये चीज़ अच्छी नहीं होती. मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर आंटी को नहीं टारगेट कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. तो वो एक उम्र का हिस्सा भी आ जाता है कि 92 में आपने खान साहब को बॉलिंग करते हुए देखा था. वो ऑब्सेशन सर से नहीं उतरा है अब तक लोगों से. मैंने नहीं देखा, ये फटे करवाएगा. नहीं, मैं जय, हमारी किस्मत अच्छी थी, हमारे टाइम में राणा नवीदुल हसन बॉलिंग कर रहा था. फैन फॉलोइंग. शुक्र है राणा सनाउल्लाह नहीं था भाई. तो मेरा तो डिसइंगेजमेंट है. आई ब्लॉक, आई डोंट नीड टू एंगेज विद एवरीबडी. कल आपने जो पिटवाया है हमें, कल इनका सेशन हुआ इनकी किताब पे, बाहर निकला चार लड़के खड़े थे, उन्होंने पहली चीज बोली अस्सलाम वालेकुम, हम पीटीआई सोशल मीडिया टीम से. उसके बाद जो हुआ होगा मेरे साथ आप लोग खुद सोच सकते हैं. तो माय स्ट्रेटजी इज नॉट टू एंगेज विद एवरीबडी. आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी चाहिए. अगर आप इतना नेगेटिविटी से एंगेज करेंगे तो फिर आप रोएंगे ही रातों को. आई डोंट वांट टू डू दैट. मैं इसीलिए इस कोने में बैठी हूँ. जितनी गालियाँ, जितना कुछ आपने मारना है, ये इस तरफ स्विंग होके इधर आना चाहिए. मैंने गुजारिश की है कि गालियाँ प्लीज ट्विटर पे ही रखें, ठीक है ना? अच्छा,
मुस्तफा, मुझे कोई कह रहा था कि तुम अपने भाई के कंधे पे रख के गोली चलाते हो। मैं? हाँ। मैंने हमेशा यही किया है और कभी भी किसी भी गलत काम में फंसा हूँ तो मैं अपना नाम मुस्तफा ही बताता हूँ। एक तो मुंह से फौरन निकल आता है, हाँ। नाम भी इजी है और करतूत भी इसके ऐसे हैं कि वो फिट इन होता है हर चीज में। तो जहाँ कहीं फंसना हो किसी और मामलात में, ऐसे मामलात जिनकी वीडियोज ही आती है सिर्फ, तो वहां मैं मुस्तफा नाम बताता हूँ। सही है, वो लगता है। हाँ। बल्कि मैं ही नहीं, बाकी सारे लोग भी, मुझे लगता है मेरे अब्बा भी इसी का नाम ही बताते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा ये इन्होंने अपना एक कैरेक्टर क्रिएट किया था फोर मैन शो पे, खालिद भट्ट। जी सर। ये अभी तक खालिद भट्ट ही अपने आप को कहते हैं। बिल्कुल, अब तो आदत हो गई है, अब तो लोग समझते हैं खालिद भट्ट ही नाम है। मैं भी अपने आप को ही समझता हूं सर। वो खालिद भट्ट बेसिकली हमारा एक दोस्त था जो चिप्स को समोसे कहता था। अच्छा। और ट्रक को बोलता था बड़ी वाली सुजुकी। तो हमें पता चला कि वो लीबिया से आया, और वो यहाँ जब लीबिया से आया तो वो शारा फैसल की बिल्डिंग्स को यूं देखता था कि यार कितनी ज़बरदस्त है। तो हम समझ रहे थे लीबिया कोई बहुत ही हाईटेक जगह है, हमें तो पता चला वहाँ सब खालिद भट्ट है। That's how it comes. हाँ। अच्छा, अभी अंबर ने बोला, बिल्कुल आई एग्री कि जर्नलिस्ट भी आजकल ना, आई थिंक द अदर डे आल्सो यू वर सेइंग कि खबर देने वाला खूब खबर खुद बन गया है। हम देख रहे हैं ट्विटर पे बड़े बड़े एंकर पर्सन, वो खुद ही खबर बन गए हैं और एंड दे एंजॉय इट। एक फॉर्म ऑफ नार्सिसिज्म भी है मेरे ख्याल में। जहाँ ECP जब वोट गिन रहा था तो ये अपने लाइक्स एंड रीपोस्ट काउंट कर रहे थे। तो मुझे बताएं कि कॉमेडी हैज बिकम रियलिटी, उल्टा हो गया है, ठीक है ना, कॉमेडी हैज बिकम रियलिटी, राइट, यू अग्री विद दैट। तो उसमें फिर ये लोग जो करते हैं इनका क्या रोल होता है? अगर कॉमेडी रियलिटी कॉमेडी बन गई है, एक सीरियस बंदा आप देखते हैं टीवी एंकर वगैरह, वो ऐसी तकरीरें कर रहा है और आपको हंसी आ जाती है उस पर, तो फिर कॉमेडियन क्या कर रहा है? मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, फिर आप लोगों का रोल क्या है? अश्विन, यू आर अ जर्नलिस्ट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू। इसलिए क्योंकि जो आपने जो बात की कि अब कॉमेडी ही रियलिटी बन गई है, जिसमें देखिए, लेट मी गो बैक अ लिटिल। जर्नलिस्ट और एंकर में फ़र्क है, और एंकर का काम ये होता है कि लोगों को एंटरटेन भी करें, राइट? और जब रियलिटी, जब हकीकत पर आप हकीकत को डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि आपको इजाज़त नहीं है, या आप करना नहीं चाहते क्योंकि आपका एक एजेंडा है, तो फिर क्या बच जाता है? कॉमेडी एंटरटेनमेंट ही बच जाती है। इसीलिए मैं समझती हूँ कि इसमें ना जो टीवी पे आते हैं एंकर्स और जो यूट्यूब पे चलाते हैं, उनको कहीं ना कहीं कुछ अपना काम तो करना है ना, धंधा करना है ना, तो करने मतलब दे, क्या हर्ज है? तो वो एंटरटेनमेंट बच्चों वाली भी होती है, बच्चे भी एंजॉय करते हैं टॉक शोज। अगर आप फॉर एग्जांपल कैपिटल टॉक चल रहा हो, जब कोई शो चल रहा हो तो उसके बीच में जब ब्रेक्स आते हैं उसमें डिंग डोंग बबल का भी ऐड आ रहा होता है, तो बंदा कहता है यार ये एक जब तक फिरदौस आपा एक थप्पड़ ना मार दे, मार दे, वो मजा नहीं आता। उसे एंटरटेनमेंट होती है ना, वो मजा नहीं आता। तो शहजाद, मैं ही तुमसे पूछूंगा कि अंबर, बट इसमें क्रेडिबिलिटी का कुछ नहीं होता। एक यूट्यूब जर्नलिस्ट है, उनकी मैं वीडियो देख रहा था, आप अखबार पर पढ़ा करें, उन्होंने बोला कि कम अज कम 80 सीटें तो KP में PTI से छीनी है। मैंने रिजल्ट देखे, 80 बची ही नहीं थी जो PTI ने नहीं जीती थी। तो इसके बाद भी वो लोग वैसे भी सर, तीन साल तो हमारे साथ वैसे भी असली जिंदगी में भी मजाक होता ही रहा ना हमारे साथ। कभी वो कहते थे ये जो कुत्ता आइलैंड है, इधर तेल निकल आया, और सदर में वो तेल निकल आया है जिस तेल की अरबियों को जरूरत है। नहीं, एक्चुअली पता है सर, वो मिक्स ये हो गया है कि अभी मैं जब स्टेज पर आने से पहले यहाँ HBL का एड चल रहा था, मैंने कहा शुक्र है बैरिया टाउन का एड नहीं चल रहा। तो हर चीज में जब वो जमीन जो है ना तंग हो जाए और वो फैल के वेरिया टाउन बन जाए, तो फिर इसी किस्म के, जिस तरह सॉरी अंबर ने भी कहा, वैसे एंकर आपको सामने नजर आएंगे जो डिंग डोंग के एड में भी होने चाहिए, वो सिर्फ डिंग डोंग ब्रेक में ना चले, उसमें वो खुद भी आए ताकि एंटरटेनमेंट ज्यादा हो सके। सही बात, उन्होंने हमारा काम ज्यादा आसान। बल्कि हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं वसीम बदामी, कल मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार देखो आप रमजान ट्रांसमिशन आप करते हो, इसके अलावा आप म्यूजिक शो भी किया आपने, आप करंट अफेयर भी, क्रिकेट भी करते हो, आप वजीर आजम क्यों नहीं लग जाते? मिल ही नहीं रहा जब हमें, आज कौन सा दिन हो गया हमें वजीर आजम नहीं मिल रहा भाई। अब तो ऐसा हो गया पिंडी में किसी को भी फोन करो, किसी को भी, यानी कि किसी को भी, आप तो समझते हैं मैं क्या बात है। तो वो ये कहते हैं क्या करो, वजीर आजम लगोगे?
तो लोग तैयार नहीं लगने को। मैं तो इनके हक में हूँ, अगर अभी वोटिंग करें मैं तो नदीम भाई को। बल्कि भाईजान मैं आपको 3 दिन से देख लेता हूँ और देख रहा हूँ, आप क्यों नहीं बन जाते? टाइम ही टाइम है ना, एस्पिरेशन। उसने भी क्या करना होता है, उसने भी तो दोपहर को हेलीकॉप्टर पे आना होता है। व्हाई नॉट, इजी जॉब है वैसे। मैंने बोला अपने एक दोस्त से, मैंने कहा भाई वो कहाँ गई बात जो वो कहते थे कि मैं साइकिल पे आऊंगा। कह रहा है साइकिल है, मसला है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है सीट नहीं है। तो हेलीकॉप्टर में ही जाएगा बंदा, सीट भाजवा ले गया होगा भाई। जिस जिस वैसे मैं सॉरी माजरत कह रहा हूँ, पहले भी शायद ये बात हो चुकी है कि एक लंबे अरसे तक हमारे यहाँ डिविजनिंग रही है कि एक जो है वो बेसिकली एक जमहूरी आवाज़ को जो रिप्रेजेंट करते थे वो भुट्टो साहब करते थे, और जो एक विलन रहा एक अरसे तक उसका नाम था ज़ियाउल हक। शुक्र है फिर बाजवा साहब आ गए बोझ हल्का करने। मॉडर्न डे जिस मुल्क में अनवारुल हक काकड़ बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, तो आपका तो ज़्यादा चांस है। अच्छा काकड़ साहब के साथ वैसे मैं एक दफ़ा सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ इस्लामाबाद में, तो कुछ ऐसा हुआ किसी ने कहा मैं आ रहा हूँ वापस, कोई कहीं चला गया, ये भी था कहीं और चला गया, सिर्फ मैं और काकड़ साहब बैठे हुए थे, और एक लम्हा ऐसा आया कि हमने एक दूसरे को देखा है सिर्फ, और मुझे कहीं से नहीं लगा कि वो वज़ीर आज़म भी बन सकते हैं। मगर मेरे ख्याल में वो इमरान खान साहब चल रहे थे, कोटा वही चल रहा था। तो जिनके पास शेरवानी पड़ी हुई है वो उन्होंने शेरवानी को छुपा दिया है? नहीं शेरवानी पड़ी हुई है लेकिन कोई बात नहीं, एक के पास तो पड़ी हुई है, वो डिफरेंट शादियाँ करता रहता है तो उसकी तो इस्तेमाल हो रही है। बाकी जो है मियां साहब ने तौबा कर ली है। अच्छा मेरे ख्याल से वैसे अगर आप कह रहे हैं क्रिकेटर हो, 3 शादियां हो, तो अगले प्राइम मिनिस्टर पे शोएब मलिक को होना चाहिए। अच्छा मैं आप सबसे एक एक करके पूछूंगा तीनों से। एक कार्टूनिस्ट होता है, कॉमिक होता है, उसको एक सबसे बेस्ट कैरेक्टर मिलता है जिसके साथ ही थिंक्स कि यार ये परफेक्ट है कॉमेडी के लिए। सियासतदानों में, और आप लोग सब करते आ रहे हैं कॉमेडी फॉर अबाउट 10 ईयर्स, सबसे मजेदार इजी टू कैरिकेचर और इजी टू पैरोडी कौन होगा? मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे आसान कैरेक्टर जो दुनिया का हर इंसान कर सकता है वो एक ही है, उसमें आपने कुछ नहीं करना, वो फिटकरी वाले पानी से सिर्फ मुंह धोना है। मैं तो हैंडसम हूँ। तो ये कौन सा हैंडसम है तू? अच्छा वैसे खान साहब के दौर में मैं ये मुझे अक्सर लोग कहते हैं ये हैंडसम है, तो अरे भाई फवाद ज़्यादा है, फवाद खान सर जी, फवाद खान को बुलाना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरा नौजवानो। अच्छा यानी कि आप कह रहे हैं खान साहब हैज बीन द इजीएस्ट एंड मोस्ट इंस्पायरिंग, जिससे कॉमेडी फूट फूट के निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारा क्या ख्याल है? सर मेरे ख्याल में आसान सबसे ज्यादा जो है वो फजलुर रहमान। आपने कहा? अच्छा जी जी बिल्कुल फजलुर रहमान। एक कुर्सी और ला दे भाई, वरना मेरे ख्याल में चौधरी शुजात हुसैन ज्यादा आसान है, क्योंकि बात भी नहीं करो और बात भी हो जाए। इमरान खान बना, मुझे हर कोई मुराद सईद नजर आने लगा। अमन क्या है ये? नहीं वैसे ख्वाजा साद रफीक इज द बेस्ट जो हमने किया आज तक। शहबाज शरीफ पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली सभी बहुत ज्यादा राइप है, बट आई थिंक द रीजन हम लोग वी ग्रेविटेट टुवर्ड्स मेकिंग फन ऑफ इमरान खान is because the tension you're all feeling, right? Yeah. अगर मैं अभी यहाँ पर मजाक उड़ाना शुरू कर दूँ बिलावल भुट्टो का, नवाज शरीफ का, आप लोग सब खुल के हंसेंगे। Somehow हमने और हमारे जो बहुत फेमस कमेडियंस भी हैं जिनको हम इंटेलेक्चुअल भी समझते हैं, अगर कोई सिंधी है, अगर कोई पश्तून है, उसके एक्सेंट का मजाक उड़ाना, उसकी ज़ात का मजाक उड़ाना, उसको हमने कॉमेडी समझ ली है, आप सब हंसते भी हैं। द रीज़न वी मेक फन ऑफ इमरान खान मोर इज बिकॉज यू आर अनकम्फर्टेबल विद दैट. Somehow you've created this character who's beyond mocking.
क्योंकि जब किसी को आप मॉक करते हैं ना तो वो जो एक डेमी गॉड का रुतबा होता है उससे वो नीचे आ जाते हैं, वो इंसान लगना आपको शुरू हो जाता है। फेमस वर्ल्ड आप आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं। अच्छा अच्छा, इसमें एक और अच्छा। एक और बात भी है, कोई साहब मुझे अच्छा, एक सवाल मैं आप पैनलिस्ट हमारी वो जो सुजात कह रहे हैं कि वो अभी किसी ने जिक्र किया उनका काकड़ साहब का, मैं उठ जाऊं, आप बैठिए, काकड़ साहब का जिक्र मैं दूंगा माइक, मसला नहीं। तो पॉलिटिशियन देखें जो भी हैं वो अपनी जगह पे हैं, अगर आप उस तरफ देखें पॉलिटिशियन के अलावा जो अदर साइड है तो उनकी चॉइस जो है वो गवर्नर टेसोरी है, तो अब वो कितने ही कोई इंटेलिजेंट होंगे तो जो कोई है हमारे पास उसको हमें रहने देना चाहिए। सही बात, वो बेहतर लोग हैं और वो बेहतर फैसले करते हैं, सीरियस लोग हैं, वरना टेसोरी टाइप भी माइंडसेट है जहां से आने वजीर आजम। तो वैसे एक ऐसा भी है जिसपे कराची में तो बहुत डर भी लगता था और मैं समझती हूँ कि अब उनको अपना टिकटॉक और कुकिंग चैनल भी चलाना चाहिए। अल्ताफ हुसैन भाई की बात कर रहे हैं? नहीं, बट अब ये देखे ना, अल्ताफ, आई थिंक मैं डरता नहीं हूँ, इज्जत बहुत करते थे हम लोग। अल्ताफ भाई एक ऐसे कैरेक्टर है कि मुर्तजा भाई तो आज टीवी में थे जब गोलियां चल गई थी वहां पर, nobody could make fun of him. द मोमेंट यू स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हिम, वो जो एक डर था एमकेएम का वो खत्म हो गया। इवन व्हेन यू टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशन टुडे, पहले वीगो डाले पे मीम्स बनना शुरू हुई, फिर वो बातें होना शुरू हुई जो आज हो रही हैं। तो वो जो एक फियर फैक्टर है या जो एक पेडेस्टल पे हमने लोगों को चढ़ाया हुआ है कि इसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, जब उसका मजाक उड़ाया जाएगा तो ये जो एक फियर और अनकंफर्ट और टेंशन है ये रिलीज होगी और वो माशरे की यू नो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत जरूरी है और इनफैक्ट द फर्स्ट स्टेप है। शहजाद ये तो कब से चल रहा है, लेकिन आप आके आसिम मुनीर का मजाक उड़ा ले, मैं क्यों उड़ाऊं यार? मतलब मैं मरूं हर चीज में, आसिम मुनीर का तो पता ही नहीं है बोलते कैसे हैं। आसिम मुनीर तो एक सीक्रेट चीज है ना, पता ही नहीं। आसिम मेरे ख्याल में डी से आता है, नाम भी नहीं आता। आप अगर आसिम मुनीर का देखो, इंसान में कोई मजाक उड़ाने वाली चीज भी हो ना, इतना जबरदस्त आदमी, उसका मजा, तौबा 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 यार, दिल की बात बोलती, दिल की बात बोलती मेरी जिंद। एक मिनट सब मिलके गाएंगे, मेरी जिंद मेरी जान, नहीं ऐसा नहीं, देखो 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 यार, देखो। अच्छा मुझे भी जो बात करे ना एमकेएम का जिक्र किया अंबर ने भी, एक दौर था, मुझे इस इलेक्शन में वही फीलिंग आई, भाई को भी देख रहा था मैं, तो आते एक बंदे ने बोला हाँ बेगन को वोट देना ना, मैंने कहा मेरा IQ 100 से ऊपर है भाई, मैं बेगन को वोट नहीं दे सकता। तो आपको देख के याद आया मुझे कि ऐसे एमकेएम के दौर में होता था, वोट डालने आता था, कहते हाँ उसी को दोगे ना, बस उनका तरीका यह था उसी को दोगे ना, अभी इनका बेगन को दिया है ना, बस देयर इज अ डिफरेंस। लेकिन ये भी एक मैं कहूँगा ज्यादती हुई है कि उनका निशान उनसे ले लिया था और सारा हलीमा बाजी का जहेज उनको निशानात में दे दिया, चमचा, प्लेट, बेगन, बूंदी, लेकिन नकदा कोका। लेकिन यार हैरानी की बात है, उसके वोटर निकला और वो पता लग गया मूली कहाँ है, बैंगन कहाँ है, बूंदे कहाँ है, that's remarkable. असल में हुआ ये कि वो सारी चीजें जमा करके जो हलीमा बाजी की सिलाई मशीन थी ना उससे जोड़ा उन्होंने। अच्छा जुड़ गए, नहीं वैसे उससे सबसे मिलके बैट बन गए। सही कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है और उनकी मतलब उन्होंने उसको अच्छा ऑर्गेनाइज, बड़े सिस्टमैटिकली किया यार बंदा, हम लोग कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल सही, ठीक है, मेरा जमीर नहीं जाएगा तो मैं ज्यादा तारीफ नहीं कर सकता। अमर तुमने तुमने तुम खुश हुई थी उस जजमेंट से, वर्डिक्ट से जब उनसे सिंबल ले लिया था? ये किस किस्म का सवाल है? मैं पूछ रहा हूँ ना, चारे आपको भी गालियां पड़े आपको तो बुरा लगा होगा, आप लिबरल है ना, यहाँ मैं कोने में बैठी हुई हूँ, कभी भी भाग सकती हूँ। नहीं तो बताने ना, अच्छा मैं वीगो डाला चला कर चलाऊंगी भाई, तो बनी जस्टिस ईसा पे कहने पे आपको कोई नहीं उठाएगा वीगो, वो तो बेचारे आज का टारगेट बने हुए हैं बड़े बड़े जमूर पसंद लोगों के। मैं तो कह रहा हूँ वीगो रख लेता कि वो आए कि अपनी है, अपनी है, इसीलिए टू वीगो जी। अच्छा नहीं चलो, तो आपने एक संजीदा बात कर दी ना, हाँ ये तीनों है ना, उसको आगे लाऊंगा बात को मैं। अच्छा वैसे मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ट्रोल कर रहा था ये जो मुख्तलिफ सिंबल्स थे, और अगर आप मेरे से संजीदा आप सवाल पूछेंगे कि क्या ये दुरुस्त था या गलत था, कानून के मुताबिक तो शायद सही हो, लेकिन उसका जो सियासी असर है वो तो हम भुगत रहे हैं, तो बस इतनी बात। तो वो तो कोर्ट में गए थे तो कानून के मुताबिक ही आना था यार। अंबर इतनी पॉजिटिव है, इतनी पॉजिटिव है, उस दिन बिल्ली को पता क्या किया इन्होंने, कह रहे इसको बिल्ली मत बोलो, इससे तो पूछो ही अपने आप को आइडेंटिफाई क्या करती है। शिजा तुम्हारा क्या रिएक्शन था बिल्ली के बारे में? नहीं नहीं नहीं
बल्ला जब छपा, मैं सीरियस बता रहा हूँ ना, मैं बताना चाहता हूँ कि देखो ये लोग ट्रू डेमोक्रेट्स हैं, दिल के अच्छे हैं, इनजस्टिसेस उनको नजर आ जाते हैं और ये कह देते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ है। तो क्या तुम्हारा रिएक्शन था ये बोलने से पहले? यू नो, अगर हम फीडबैक दे रहे हैं अभी ना दें, आप मुझे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे दे दें। यू कैन फॉलो मी, माई इंस्टाग्राम इज @AkbarChaudhary। इनबॉक्स में आके गालियां दें आप लोग। यार मैं एक डेमोक्रेसी मैक्सिमलिस्ट, कल भी हम जब डिस्कशन कर रहे थे, मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, अगर आवाम शेर अफजल मरवत को प्राइम मिनिस्टर बना दें, बोलूँगा ठीक है यार मैं कनाडा चला जाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए ठीक है वो। नहीं, अली अमीन गंडापुर क्यों नहीं? हाँ। वो थोड़े और भी ज्यादा है, इतना इतना मैक्सिमलिस्ट नहीं हूं मैं। सो अच्छा, आपकी 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 रेड लाइन हमें पता चल गई। हाँ, बट ये वही बातें हैं कि लोग थोड़े नाराज हो जाते हैं इन बातें करने पर, लेकिन बातें जो सच हैं वो कड़वी भी हों तो सच आपको सुननी चाहिए। अली अमीन गंडापुर हैं, उनकी रूहानी अजमतों पे लोग एसेज लिख रहे हैं आजकल। वो साहब हैं जिन पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक टीनेज लड़की को नंगा फिराया था अपने गाँव में, और जस्ट बिकॉज वो आपके पार्टी के लिए अच्छे हो सकते हैं, फ़ायदेमंद हो सकते हैं, तो वो किसी की मुरव्वत और वर्शिप में इतना ना गिरें कि ऐसे इंसान को सपोर्ट करें। तो इवन एज अ जोक आई कांट गेट माई सेल्फ टू सपोर्ट अली अमीन गंडापुर, इवन एज अ जोक। आप तुमने कभी अली अमीन गंडापुर का किया? सर मैंने कोशिश की थी, मैंने कहा खुद इतना बड़ा मजाक है तो ना ही करें। अच्छा, भाई वाली बात है, वो भाई फरमा रहे हैं कि वो क्लियर हो गए थे, वो ऐसे आदमी नहीं है। अच्छा, वो बहुत अच्छे अच्छे आदमी है, वो गरीबों को रोड पार करवाते हैं। अगर हम इस हाल पे पहुंच चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर अच्छा आदमी है, तो फिर आप अकीदत में मुराद सईद के साथ वाले दर्जे पर हैं जी। देखा ना, यहाँ भी बहुत लोग बैठे हैं भाई, आप पता नहीं जज्बात में कहीं से कूद मत जाइयो। और जो कहता है वही होता है। अबे थोड़ी सी तो सीख ले मेरे भाई। अच्छा अच्छा, थैंक यू वेरी मच। गलत आदमी से आप कर रहे हैं, आपने व्हाइट लाइन रेड लाइन मिक्स कर दिए। मैंने आपकी रेड लाइन फाड़ दी। अच्छा मैं क्यों करते हैं, करें करें आप मिक्स करें व्हाइट लाइन मिक्स, तो आपके लीडर। अच्छा मैं ये करता हूँ कि माइक वाले किधर हैं भाई? मैंने उधर पहुंचानी चाहिए, आई कैन अंडरस्टैंड दोनों साथ साथ। वेयर इज द माइक, है कोई? बिकॉज ये यहाँ नारे वारे भी सुन लें। इनको दीजिएगा माइक, वहीं से स्टार्ट करते हैं। वो जो अनऑफिशियल, हाँ चले अनऑफिशियल पैनलिस्ट, जोर से बोले। नहीं माइक है तो जिब्रान नासिर के पास थे ना माइक, अच्छा उसका साइन था, सॉरी। जिब्रान नासिर बर्गरों का वडेरा है। मम्मी डैडी का नहीं। अच्छा प्लीज चले जी, यार अभी कांट हियर है, प्लीज माइक सही तरह दे ना। जिस तरह के ऑडियंस से सवाल आता है, उन्होंने माइक ही बंद कर दिया पीछे से। हेलो, मेरा सवाल ये है कि द टाइटल इज कॉमेडी इन रियलिटी, शहजाद यू टच अ लिटिल बिट ऑन मेकिंग फन ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल और टारगेटिंग, सो in terms of punching up and punching down humor, what is your take on it and how do you see that in Pakistani comedy or political space? Thank you. I think that's what I was hinting at pehle bhi na, ki hum apne aap ko apni privilege check karke kahin nahi aate, to agar hum ek bhari mehfil mein baithe hue hain aur koi sahab aaye aur bole ki pehle hamare schoolon mein urdu padhai jati thi, ab mayar itna gir gaya hai ki ab sindhi padhai jati hai, aur aap hans rahe hain us baat par, what are your racisms, what are your prejudices that are being confirmed by the speaker which is making you laugh? To hum agar raat ko bhi humor dekhe, hame sabse funny cheez lagti hai agar koi male comedian saadi pehen ke baith jaye, wig pehen ke baith jaye, ya agar wo trans act karna shuru ho jaye, wo hamare liye inherently funny hai. So you know when sometimes if Nadeem writes satire ya if I try and do something which is satirical, वो लोगों को ह्यूमर इसलिए नहीं लगता, बिकॉज समहाउ
a certain class, and I'm specially talking about a certain elite class, not Pakistanis in general, they're used to that kind of humor. Jis tarah abhi Tabish ke show pe kisi ne bola tha ki wo baloch hai, and then Tabish ne aage se bola wo to phir missing ho gaye or something like that. Now that's satirical. For that to go on TV, for that idea to permeate throughout society that we're treating an entire province unfairly. तो वो इतनी सोच के साथ अक्सर लोग ह्यूमर नहीं करते. हमें करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए और हमें कॉल आउट करना चाहिए. दैट बीइंग सेड, एज कमेडियंस योर जॉब इज टू पुश द लाइन. अगर आपकी रोज की जॉब ये होगी आई हैव टू पुश द लाइन, आई हैव टू पुश द लाइन, यू विल गो ओवर दैट लाइन. जिस तरह हम लोग ब्रॉडकास्ट करते थे, अक्सर एपिसोड के बाद हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते थे कि यार ये एक लाइन थोड़ी ज़्यादा हो गई है. तो वो थोड़ा कमेडियंस को भी मार्जिन दें कि वो किसी बद नियति से ये बात नहीं कर रहे, वो नेक नियति से कर रहे हैं, आपको हंसाने के लिए कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं. सो दिस कैंसिलेशन कल्चर बेस्ड ऑन दीज आइडियाज ऑफ पंचिंग अप पंचिंग डाउन आई एम अगेंस्ट, बट शुड कमेडियंस बी वेरी कॉन्शियस ऑफ वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, हु दे आर मेकिंग फन ऑफ, एंड वॉट देयर स्टेटस एंड प्रिविलेज इन सोसाइटी इज 100%. थैंक यू शुजा. इससे मुझे याद आया कि एक दफ़ा एक साहब ने कहा कि तुम लोग इतना वो करते हो एक मतलब खान साहब पे, आइंदा जो है ना जितने लोग बाहर रहते हैं ना वो अगर पैसे ना भेजें तो चलेगा भी नहीं. तो मैंने शहजाद को कहा भाई तू तो बाहर जाता रहता है, ये ना हो जाए. कह रहा है भाई ये जो पैसे भेज रहे हैं ना, ये भेज रहा है गाँव में अपने अब्बा को की दायमी खांसी के लिए. कह रहे इससे मुल्क को कोई फायदा नहीं. हाँ ये तो ताना पड़ता है कि बाहर से काम पैसे बंद हो जाएंगे तुम लोगों की वजह से. हाँ जी और अब लुक एट दिस प्रिविलेज राइट, कि अभी जब बीच में पाकिस्तान में मसले मसाइल हो रहे थे, ओवरसीज पाकिस्तानी का एक ग्रुप था, देयर लाइक तुम लोग भूखे मर जाओगे, रोटी खाने को नहीं होगी, हम रेमिटेंस बंद कर देंगे. अब लुक एट द अमाउंट ऑफ प्रिविलेज दैट देयर कमिंग फ्रॉम, देयर हैप्पी फॉर पीपल इन पाकिस्तान टू डाई हंग्री जस्ट बिकॉज दे फील एन एफिनिटी टुवर्ड्स अ सर्टेन लीडर. खुद वो लाइफ अपनी जबरदस्त इंजॉय कर रहे हैं, सोशल सर्विसेज इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे वो चाहते हैं लोग भूखे मर जाएं. सो दिस नीड्स टू बी मॉक्ड 100%. इसलिए काफी ओवरसीज नाराज भी हो जाते हैं मुझसे इस बात पे. वेल सेड. जी जी हेलो. एक सेकंड आप पे आपका माइक आता है, आप प्लीज पूछे. आपने शहजाद शायद अभी मैंने थोड़ा सा मिस भी किया था, आपने जिक्र किया इशारतन, या तो आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो मजाक उड़ाया जाता है किसी बलोची का या पठान पंजाबी, तो मोइन अख्तर साहब ने कोई हज़ारों की तादाद में कैरेक्टर्स किए, मेमन किया, पठान सब किए, तो उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए नहीं किए, उसको प्रोग्राम को मज़ेदार बनाने के लिए किए. उन्होंने किसी का मजाक नहीं उड़ाया. मैडम की नकलें उतारी गई, ताहिरा सैयद की नकल उतारी गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसमें फर्क है. आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम अजरा मोहिद्दीन है. अजरा मोहिद्दीन, अगर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, बताइए. 1971 में हमारे मुल्क की आर्मी गई एक दूसरे मुल्क में, वहां पर जेनोसाइड हुआ, उसके बाद ARY पे एक शो आता है जिसमें मोइन अख्तर ब्लैक फेस करके बंगाली बनकर एक बंगाली इंसान का मजाक उड़ा रहे हैं. नीयत उनकी साफ हो, उनकी समझ में थोड़ी कमतर हो, एक सोसाइटी जिसने दूसरी सोसाइटी के ऊपर जेनोसाइड की हो, अगर आप उस बंगाली का बंगाली होने पे मजाक उड़ा रहे हैं, आई थिंक वी नीड टू क्वेश्चन हु वी आर, वेयर वी आर. मजाक नहीं उड़ा रहे, ये गलत बात है ना. अगर इस वक्त आप मजाक नहीं उड़ा रहे, अगर इस वक्त आप इजरायली टेलीविजन देखें और वहां पर कोई इजरायली एक पैलेस्टीनियन कैरेक्टर कर रहा हो, वुडंट यू बी डिस्गस्टेड बाय दैट? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स आई विल. सो देन व्हाई आर यू नॉट डिस्गस्टेड व्हेन वी कमिटेड अ जेनोसाइड एंड वी मेक फन ऑफ द विक्टिम? बिकॉज़ इट वाज आउट ऑफ आवर हैंड्स. आई विश आई वाज देयर टू कंट्रोल ऑल ऑफ दैट. मे बी नॉट मॉकिंग द विक्टिम इज इन आवर हैंड्स ना. नहीं, बट वैसे वो मजाक नहीं उड़ाना था. नहीं, वो मजाक ही उड़ाना है. वो मजाक उड़ाना है. मोइन अख्तर ने मजाक नहीं उड़ाया. आई थिंक दैट सेटल. शहजाद हैज आंसर्ड वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. हां, मजाक. देखिए, लेजेंड्स के बारे में इस तरह की बात करना गलत होती है, क्योंकि अगर उनका 99% अच्छा काम Hello. है, अगर 1% मसला है, वी शुड कॉल इट आउट, नॉट टू बी लाइक दे वर बैड पीपल, बट पीपल मेक मिस्टेक्स, इट्स फाइन. उनको दे दे, उनको दे. वेयर इज द माइक? देखिए, जहां तक अनथिंकेबल्स एंड अनटचेबल्स की बात होती है, वो एक अलहदा डिस्कशन है. लेकिन मैं गॉर्डन पेटरसन को अगर कोट करूँ तो, in order to communicate the message sometime you need to take the risk of offending. ठीक है, sometime जो है ना वो offend
आप करके भी उसके ऊपर आप जनरेट करते हैं, डिस्कोर्स जनरेट करते हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर हो, जीनोसाइड के ऊपर हो, मेरे ख्याल में जब आप उसको स्टेरिकल वे में सोसाइटी के अंदर सबसे पहले डिस्कोर्स जनरेट करना ज़रूरी होता, और वो डिस्कोर्स के लिए मेरे ख्याल में नियत की जो आपा बात कर रही हैं, मैं उस डायमेंशन की तरफ बात कर रहा हूँ। इन्नमो अमालो बिन्नियत। मुर्तजा तुम लोगों को मैं आता है ये बात जब तुम लोग कुछ लिखते हो काम के लिए, जो बात कह रहे हैं वो शहजाद बड़ी अच्छी बात इस वजह से कह रहे हैं कि आज तक जो हमने पठान का एक खास तरीके से मजाक उड़ाया वो उसको हमने रिडिक्यूल करने की हद तक ही उड़ाया, और उसको आज तक हमें वही बेवकूफ़ी से जोड़ा हुआ है ना, तो वही मजाक है जिनको हमने अच्छा समझ के नेशनल टीवी पे चलाया, और आज जो है खास कबीला तबका या जबान वो उसके पीछे रह के जाके, तो पठान बेवकूफ़ है जी, उसके ऊपर जोक्स भी बनाए हैं जिस तरह सिख्स पे जोक्स बनते हैं, तो हमने माशरे में अलाउ किया है सबको, जो ही इज राइट कि हमें उसको एक लाइन को देखना चाहिए जी। अब हम कॉमेडी शोज के बाद आप ड्रामा देख लें, हर पठान कैरेक्टर पश्तून कैरेक्टर या तो कोई कराची से या पंजाबी एक्टर होता है, सारे जो आपके ड्रामे बनते हैं कहाँ से प्रमोट होते हैं, क्यों प्रमोट होते हैं, वो क्लैशन ऑफ कल्चर आपने दिया, ज़ियाउल हक ने पश्तून बच्चों के हाथों में AK-47 पकड़ाई, आप जियो देखें, आप ARY देखें, अब हम टीवी देखें, कराची पंजाबी एक्टर, हम पठान हैं, हम गन चलाते हैं, तुमने इनके हाथ में गन दिए, नहीं देखे हमने कम से कम अनवर मकसूद की तरह पठान का पठान पे मजाक नहीं उड़ाया भाई, सॉरी टू से हमने हमने सोसाइटी की जस्ट पे मजाक उड़ाया जिसकी जिसका थॉट प्रोसेस चेंज होना चाहिए, हमने उसका मजाक किया, हमने कभी किसी को बंगाली आप यू हैव अ यूट्यूब जाके देखें, हमने पूरी जिंदगी ये नहीं किया जिस तरह आप जो कह रहे थे ना, आप जाके फोरमैन शो देखें, जनरल शुजा पाशा कैरेक्टर बन के मुस्तफा बैठा हुआ था, एंड बाजवा एंड व्हाट नॉट, एंड इवन जब ISI चीफ थे अजहर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, जियो पे भी हमने उनको उनको किया और हमने करने दिया, एक लाइन है ऑब्वियसली तमीज की उसमें रहते हुए, हमने उन लोगों का भी किया जो अनटचेबल्स हैं जी जी। देखिए एक्सट्रीम नहीं नहीं एक सेकंड, नकल उतारना, नकल उतारना सर नहीं है, क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट होता है, कंटेंट होता है जी जी, जो अभी जो इसने नकलें उतारी हैं उसमें उसमें विट थी, उसमें एक कमेंट था, सोशल कमेंट्री थी, इट्स नॉट दैट कि सिर्फ नकल उतार दे रहा है। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन अजरा भाई, हर जोक का एक टारगेट होता है, अगर हम टेक्निकली उसमें जाएंगे, एक्सक्यूज मी जी भाई, मिमिक्री इज बैड, इट्स व्हाट यू आर लाफिंग एट जी जी जी, देखिए प्लीज सबको मौका दें, एक मिनट एक ये कह रहा था फिर आपके पास आ जाए सर, जब तक ये लोग लड़ाई कर रहे हैं हम सिगरेट पी के, देखिए मैं आई रिक्वेस्ट के ये क्रॉस आर्गुमेंट की बजाय प्लीज गिव अपॉर्चुनिटी टू मेनी अदर पीपल हु आर रियली इंप्रेस्ड बाय अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, पहला कोई पॉजिटिव आदमी आज जी सर, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है कि बस मैं क्या बताऊं, वजीर आजम भी नहीं बन जाते हमें चाहिए, हमें चाहिए, उन्होंने इतनी तारीफ कर दी, मुझे लगता है अब जिल्लत आ रही है। लेट मी आस्क द क्वेश्चन, देखिए एनी वन ऑफ यू जो भी मुनासिब समझे तो जवाब दे दें, देखिए आपका जो सटायर था वो बोले बोले आपका जो सटायर था वो हम लोग टीवी पे सोशल मीडिया पे, अब ये मत बोल दीजिए ना बचपन से देख रहे पढ़ते थे अक्सर लोग हमें मिलते हैं यार बचपन से देख रहे हैं वो हम पढ़ते भी रहते हैं। अच्छा मुझे ऐसा फील होता है कि ऑल ऑफ यू आप चारों जो हैं वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे, जिसमें कि वो लोग जो कि पढ़े लिखे हैं, पराजा साहब की वोकैबुलरी पढ़ लेते हैं, आप लोग का सटायर समझ लेते हैं, मेरी गुजारिश ये होगी कि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ जो मिलियन लोग हैं जो किसी भी फॉर्म के एंटरटेनमेंट के लिए थर्स्टी हैं, आपको और क्या आपकी कोशिशें कभी उस सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन पर गईं? हाँ जी अंबर आप बोलिए जवाब दे दो, अंबर मेरा भी सुन लीजिए, इसलिए आप इधर आ जाए, नहीं नहीं मेरा सवाल भी यही है, आप एड्रेस दे दे कल डिनर ही कर लेते, मेरा सवाल भी यही है, एक साथ जवाब दे दीजिएगा, खाना भी खा लेंगे। यू गाइस आर द मोस्ट टैलेंटेड पीपल सिटिंग ऑन द स्टेज, नंबर वन, झूठ, इंक्लूडिंग दिल से नहीं बोला आपने, इंक्लूडिंग नदीम, नदीम यू नो वैसे उन्होंने ट्रेंड शुरू कर दिया है, अब तारीफें होंगी पहले, नो नो नो, आई ऑलवेज वांटेड टू, थैंक यू लतीफ खोसा साहब, वेरी क्लीन ऑब्जर्वर,
I'm a very keen observer of humor. Each of your column, I haven't missed a dot or a comma. Okay. I've heard your 99% podcast. I've heard all of your things. Thank you so much. Thank you. So my question is, मेरा सवाल वही dinner कर ले. यही है कि हर एक को target करें, सब कुछ को है. ऑडियंस को और उनको जनरलाइज ना करें. लेट्स टॉक. बड़ी प्यारी बात की आपने. मुझे लग रहा है कि आपने शादियों में बहुत फट्टे करवाए. हमें किसी ने खाने का नहीं पूछा. गंडापुर वाहियात आदमी है आपके की बेशुमार गलतियां, फिर भी मैं उनके साथ हूँ. तो ये आप जनरलाइज नहीं करें. प्रेजम्पटुअस ह्यूमर. आई गॉट योर पॉइंट. आई गॉट योर पॉइंट. नदीम से है कि नदीम प्रेजम्पटुअस presumption from the comedian should not be allowed to stay. Got it. Let them answer now. Agreed. You shouldn't say आपने ये कर दिया, आपने कर दिया. हमने collectively बहुत गलतियाँ की. So मैं आप लोगों से कह रही हूँ, return to the public. I haven't heard his stand up, but two of you. As a आजाद उम्मीदवार, I'll return to the public. क्योंकि आजाद उम्मीदवार का ही गेम है. तो मैं ऐसा इनके साथ बड़ी खुश हुई आपसे. आया था कि आप वैसे आपका उनके सवाल से कोई ताल्लुक नहीं था. आपने एम ही डाल दिया बीच में. सेम सवाल है. सेम. अच्छा नहीं, एक तो ये, एक तो ये कि मैं इन दोनों के बारे में तो कह सकती हूँ, जो जबान इस्तेमाल करते हैं और जो चैनल इस्तेमाल करते हैं, वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाता है और सुना जाता है. सो आई थिंक इट इज इन टर्म्स ऑफ दीज टू, मैं कह सकती हूँ कि ये वाइडर ऑडियंस के लिए करते हैं. लेकिन एक सवाल है, क्या आप ऑडियंस को देखकर ह्यूमर करते हैं या आप उसको ड्यू ट्रैक दैट? नो, आई मीन देखें, अगर मैं कहता हूँ इलीट क्लास है, अगर मैं कहता हूँ कराची वाले ये कर रहे हैं, अगर पंजाबी कर रहे हैं, पाकिस्तान का एक पावर स्ट्रक्चर है ना, जिसमें एट द टॉप आर पीपल इन कराची एंड द टॉप आर पीपल इन पंजाब. वो हिस्टोरिकली देख लें, देव कंट्रोल्ड दिस पाकिस्तान प्रोजेक्ट. अगर कोई बोले अब कराची का, आप कह रहे हैं कराची का हर इंसान बुरा है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं कह रहा. क्या हर ओवरसीज पाकिस्तानी बुरा है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा. बट एज अ सोशल ग्रुप, जिस ग्रुप के पास सबसे ज़्यादा पावर है, अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, इट्स पंचिंग अप. दैट शुड नॉट बी टेकन इन टू अ प्रेजम्पशन टू मीन एवरी पर्सन इन दिस ग्रुप. आई थिंक हम बहुत बाइनरी थिंकिंग में फंस गए, गुड और बैड. इफ यू क्रिटिसाइज अनवर मकसूद, या बट इज अ गुड पर्सन, एब्सोल्युटली 99% काम का बहुत अच्छा है. मोइन अख्तर से बड़ा कमेडियन, लेजेंड, एक्टर हमारी तारीख में नहीं आया. पर क्या उनका कुछ काम प्रॉब्लमैटिक है? बिल्कुल है. वी शुड स्टॉप इन टू दिस. You said that person is bad because you made fun of that person, or you said something critical. Let's get out of this good bad thinking. But the question is, do you think of audience? मैंने अब जिस तरह वो मासेस वाली बात कर रहे हैं, मैंने एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट किया है कि मैं ज़्यादा पॉडकास्ट उर्दू में बात किया करूँ. तो उससे ज़्यादा, हालांकि आपकी इंग्लिश वो वाली भी नहीं है, इन विच क्लास डू यू रीड? नहीं. बट अदर देन दैट, नो, इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग वाला भी तो था ही है. अच्छा, वो मरीज डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका है ऑलरेडी. अच्छा शहजाद बहुत अच्छे आदमी है. एक दिन शहजाद ने मुझे कहा कि यार हमें गरीबों के लिए बहुत सोचना है, हमें काम करना है. मैंने कहा बिल्कुल ठीक है. कह रहा है यार सिंध क्लब आ जाओ. बोला नाश्ते पे बात होगी. तो बहुत कर रहे हैं हम लोग. वैसे तुम लोग गए हो कभी सिंध क्लब? बाहर से बहुत देखा है. हाँ. और ये तो समझता रहता कि उसके लिए सिंधी आना जरूरी है. मैंने कहा नहीं, उसके लिए तुम्हें वहां पैदा होना जरूरी था जहां तुम नहीं हुए, अनफॉर्चुनेटली. अच्छा मुझे बता, ये ओवरसीज पाकिस्तानी मिलता तुम्हें? ओवरसीज पाकिस्तानी से बिल्कुल कभी, क्योंकि मैं बाहर गया ही नहीं कभी. नहीं, वो जब पाकिस्तान अगर कोई आए, पाकिस्तान आए और वो बड़े, मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल लोग. आप भी मेरे ख्याल में 3 साल पहले ही आई हैं. नहीं, यहीं पर रहती हैं, मजाक कर रहा था. लेकिन ये है कि वो अभी पिछले दिनों मेरी एक से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा यार तुम आदिल राजा को सुना करो. हाँ सही बात है. मैंने कहा क्यों कह रहे हैं? वो जो बातें बता रहे हैं ना. मैंने कहा वो कहाँ से बता रहे हैं? वो खुद बाहर है भाई. हम यहाँ हैं, हमारी सुन लो. कह रहे हैं नहीं, आदिल ठीक कह रहे हैं. इधर भी दे दे, उन्होंने गालियां देनी. इधर भी दे दे, और इसी को देना भाई. आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट. हेलो, मैं आपको और सवाल जवाब दूंगा. ये गुंगा है सर. सर आज आपने गोल्फ नहीं खेली? इतनी देर मजाक होता रहा. जी सर. तो थोड़ा सीरियस बात भी जी करते हैं. हाँ बिल्कुल. वो ये कि इस वक्त आप बताइए कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जिसको ना बात करने की इजाजत है, जो कि बंद है
Yes. जिसके ऊपर 555 केस लड़े हुए हैं और जिसको एक पब्लिक मीटिंग नहीं की और जो है उसकी पब्लिक मीटिंग में वीडियो की एड्रेस भी नहीं हुई, उसकी सपोर्ट के लिए लोग निकलते हैं तो उसको बंद कर देते हैं, उसके कितने पॉलिटिकल उसके कितने लीडर जो हैं इम्प्रिजन्ड हैं। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट अल्ताफ हुसैन। एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। इज इट अल्ताफ हुसैन? आई कैन क्रैक अ वाइजर जोक, आई कैन क्रैक अ वाइजर जोक। तो सोफा देखना पड़ेगा, गीला तो नहीं हुआ। 2018 की बात करें सर, मकसद कहने का ये है, मेरा मकसद कहने का ये है कि उस चीज को अप्रिशिएट करें। यस यस, कि उसके बावजूद जो है उसकी क्या पब्लिक उसके पीछे निकली है। लेकिन सब लोग हमारे मोर इंटेलिजेंट देन द अदर्स, स्पेशली नदीम पिराचा साहब एंड एवरीबॉडी एल्स, मोर इंटेलिजेंट देन द अदर्स, मोर इंटेलेक्चुअल देन द अदर्स, उसकी माँ बहन कर रहे होते हैं। तो गंजों की माँ बहन करें, आप में दम है तो जिसके पास 7 फील्ड की अपार्टमेंट है जी, उसकी माँ बहन। सर एक मिनट में, तो जिसके पास अगले साल शयान अली को बिठा देंगे इधर। मेरे ख्याल में अगर आपके पास यूट्यूब है, अगर बंद नहीं हुआ है भाई, आदिल राजा को सुनने क्या मतलब है? तो आप जाके देखें जिनको आप गंजा कह रहे हैं, एग्जैक्टली गंजों के बारे में, और इसकी आर्काइव पूरी मौजूद है। जब हम जियो में मौजूद थे, जब आज टीवी मौजूद थे, जरदारी साहब एंड व्हाट नॉट सब किया, लेकिन जब कोई भी बंदा मजहबी कार्ड इस्तेमाल करके एक सोसाइटी को ख़राब करने की कोशिश करेगा भाई, तो उसके खिलाफ बात होगी। जब वो हाथ में तस्वीर रखेगा तो बात होगी, जब वो मदीना की रियासत बोलेगा तो बात होगी मेरे भाई, जब वो अमीरुल मोमिनीन बनेगा तो बात होगी, चाहे वो नवाज शरीफ क्यों ना हो। नहीं, और एक बात मैं ऐड कर दूं सर, और मैं आपका केस लड़ूंगा भाईजान, सर मैं आपका केस लड़ूंगा, आपने कहीं जाना नहीं है प्लीज। और मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि ये देखो अपनी बेटी को वजीर आला बना रहा है। नहीं, और एक साहब है, आप ये देखें मुस्तफा भाई, अगला हॉर्न नहीं कर रहा अपनी बेटी को, एक वजीर आला क्यों बना रहा है? एक से एक एक आदमी 6 घंटे रोज हर न्यूज चैनल पे डिस्कस होता है और हम कह रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर सकते। मोहसिन दावर अपना इलेक्शन का रिजल्ट लेने आरओ के पास गया, उसको गोली लगी, एक न्यूज चैनल बता दे जिसने ये न्यूज रिपोर्ट की हो। ये होता है जब किसी पे आप बात नहीं कर सकते। मंजूर पश्तीन जेल में कितनी न्यूज चैनल ने कवर किया? ये होता है जब किसी पे आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये होता है शहजाद भाई नारा लगाने वाले हो जी, शहजाद हमारा शेर है। हैंडसम तो है सर। अच्छा वो वहां गया माइक, वो राइट विंग, राइट विंग या जी। अस्सलाम वालेकुम। वाह इस्लाम, इसी पे एतराज नहीं करना, आप समझ रहे थे सर, आप हो कहां पे? सबसे पहले तो ये बताओ आप। जी हां, मैं यहां। अच्छा समझा, गायब हुए मैं, आप भी जोर से बोल दे सर। नहीं एतराज खैर किसी पे नहीं करना, खान साहब के साथ मैं भी हूं जी, लग रहा है। आपके फोरमैन शोज में शुरू से देखता जी सर, बहुत अच्छे शोज होते हैं। थैंक यू वेरी मच, हमेशा नाइस कमेंट्स ही लिखता हूं उसमें, एतराज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है उसकी अकासी कर रहे होते हैं, कॉमेडी कर रहे हैं जो भी रिजल्ट है। लेकिन एक चीज बुरी मुझे लगी, दूसरों को भी लगी होगी, कि इंटरनेट बंद कर देना, केबल टीवी बंद कर देना, ये चीज गलत, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो हो गई सारी बातें, लेकिन से शुरू करें। लेकिन ये है कि आप लोगों के शो अच्छे होते हैं, और अंबर का भी शो, मॉर्निंग शो मैंने देखा है, बहुत जबरदस्त है। जब आप करती थी 2018 में, सुबह से आगे पॉजिटिव था बहुत आपका वो शो, आपको शायद याद हो। उस वक्त मुस्बत रिपोर्टिंग किया करते थे हम, सुबह से आगे एक शो आप करती थी, मुस्बत रिपोर्टिंग वाला दौर था। ये निदा यासिर नहीं है। लेकिन ये है कि आप लोगों के शोज अच्छे होते हैं, और कमेंट्स, थैंक यू सर, थैंक यू। भाई को माइक दें, ये भाई भाईजान एक बात बताऊं, आपके जहन में ये भी है ना कि हमारे जो मर्द हैं उनको अंग्रेज बहुत पसंद करती हैं? लग रहा है आपकी आंखों से लग रहा है कि सीने के बालों पे बच्ची मर रही है, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा कहीं। वन मोर क्वेश्चन, एक और इधर भी ले आए ना, ऊंचे बोलने वाला कोई हाथ उठा ले भाई। जी जी, आपने पहले शायद ऊंचा बोले, ऊंचा बोलिएगा प्लीज। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि कॉमेडी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये तो जवाब है। नहीं, मैं आपसे कमेंट मांग रही हूँ। सॉरी, क्या कह रही हैं? कॉमेडी एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर बोथ अंडर थ्रेट। यस, बहुत ज्यादा। हमें इस बारे में कुछ करना होगा। आप कल सुबह सिंथ क्लब पे डिस्कस करते हैं इसको। ज़ैंडर्स कुड बी फाइन एज़ वेल। और सिंथ क्लब
सिंध क्लब इज ग्रेट, वहाँ नाश्ता करते हैं कुछ लोग इस रॉ में बैठे हुए जो हर हफ्ते को सिंध क्लब नाश्ता करते हैं। आई नो मेरे पे बर्गर होने के इल्जाम लगते हैं, मुझे बड़ी लेट पता चला सिंध क्लब है, क्योंकि बर्गर जिस तरह बोलते थे बोलते यू नो वी वर लास्ट नाइट एट सिंध क्लब, हम लोग हरकतें भी ऐसी हैं सिंध। मैं तो कभी गया ही नहीं, मैंने कहा कहीं वहाँ इन लोगों को अमीरों को पता भी नहीं होता ना हमारे बारे में लिख दिया डॉग्स आर नॉट अलाउड, इनका कुछ पता नहीं होता तुम्हारे बारे में। यस सॉरी, तो आपका सवाल क्या था, आपका जवाब था वैसे तो जी देखें यही हुआ, हम यही बात कह रहे हैं कि 2018 से हमें टीवी पे नहीं आने दिया गया फॉर सम रीजन, फिर हमने कुछ चैनल से बात करना शुरू की, फिर मुस्बत रिपोर्टिंग वाली बात आ गई, सिर्फ वही लोग आगे आए जो अजीब अजीब सी किसी की जान सदीक जान एंड व्हाट नॉट, तो इस तरह के लोग ऊपर आए और हमारे सामने लाए गए, और आज हमारे लोग बेचारे जिनको मैं बेचारा कहूँगा उनको सुन रहे हैं, और जो इतने बड़े और अच्छा लिखने वाले और सोचने वाले और बीच में रहने वाले लोग हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया, तो ये उसी से हुआ, अंडर थ्रेट एंड स्टिल अंडर थ्रेट, यू आर राइट, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर नॉट ऑन टीवी। ये मुझे बता बीच में रहने वाले लोग क्या होते हैं? सैतान जी जुत्ती जो कोको मैं सैतान हलो तमा घिसो खुदा जो कसम। अच्छा वो जोर जोर से बोल रहे थे जो माइक नहीं दिया। सॉरी सॉरी जी। यस यस ऐसे ऐसे ही है, इसी वजह से मैंने सदीक जान का नाम लिया, यू राइट सॉरी। हाँ नहीं वो कह रहे थे जहलों को ज्यादा इजाजत है, इस वजह से मैं चुप हूँ ना, सही लोग बोल रहे हैं। अच्छा अगर आप हमसे सेशन के बाद सवाल पूछना चाहते हैं हम यहीं सिक्योरिटी बुला ले भाई क्या बना लो यू वांट टू आस्क समथिंग कौन था आखिरी कोई सवाल ऐसा आप कुछ कह रहे थे जी जी भाई इनका हो गया जी इनका हो गया ना किसी और को भी तो दे ना उनको दें प्लीज वो जो भाई बहन का दुपट्टा पहन के उसको खड़े हो जाए सर आपके लिए आप भी पूछेंगे यहाँ नहीं कर आ जाए ये ये सिर्फ बाल आए बंदा नहीं आया आज आज आप तो हमारे भाई हैं। अच्छा सबसे पहले तो आप में सबसे पहले तो हम दोनों भाई तो नहीं गए हाँ तुम लोग नहीं 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 अच्छा आप में से किसी ने एक लाइन इस्तेमाल की थी कि तमीज की लाइन हम लोग क्रॉस नहीं करते सो हाउ डू यू डिफाइन तमीज की लाइन इन दिस फील्ड ऑफ कॉमेडी फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि अगर जब कोई मखसूस इदारा ये डिफाइन कर दे तमीज की लाइन तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच हमले पर आ जाती है ठीक है और क्योंकि फिर हमने यही देखा क्या पता मोइन साहब के लिए तमीज की लाइन कुछ और हो और आप लोगों के लिए कुछ और हो ये बात सही क्योंकि जैसे कि इधर पब्लिक में से किसी ने कहा था किसी चीज़ को पब्लिक डिस्कोर्स में लाने के लिए इट हैज़ टू बी डिस्कस्ड एंड अगर कॉमेडियन उसको अपने सटायर के थ्रू कर रहा है तो हो सकता है वो अच्छी नीयत से कर रहा हो तो हाउ डू यू डिफाइन दिस तमीज की लाइन यार एक एक जल्दी से इसका सवाल एक एक मेरे लिए तमीज की लाइन ये है कि मैं किसी के मजहब पर अटैक ना करूं किसी की एथनिक वैल्यूज पर अटैक ना करूं किसी को डीजल मौलाना ना कहूं उसकी दाढ़ी का मजाक ना उड़ाऊं या उसकी दाढ़ी से डरूं ना तो दिस इज़ द लाइन उसकी सियासत पे बात करूं उसके एक्ट पे बात करूं उसका जो रोल है सोसाइटी पे उसके बात करूं दिस इज़ अ वेरी सिंपल लाइन तो वो कभी क्रॉस ना करें आप किसी की मजहबी उसको ना ठेस पहुँचाए दिस इज़ इट यही लाइन है उसके बाद आपने जो करने करें आप एक असूल मैं इस्तेमाल करता हूँ मेक फन ऑफ व्हाट दे डू नॉट हु दे आर ये आसानी हो जाती है बट इसमें भी पावर डायनामिक्स कम इन टू प्ले अगर कोई मजाक उड़ाता है डोनाल्ड ट्रंप का फॉर बीइंग फैट नाउ ही इज़ समबडी हु इज़ सो कॉन्शियस अबाउट हिमसेल्फ लाइज अबाउट हिज बॉडी वेट एंड इज इन जनरल अ टेरेबल पर्सन सो आई इन टर्म्स ऑफ द पावर डायनामिक्स वो जोक ठीक हो जाता है मेरे लिए बट वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम फ्रॉम क्रिटिसिज्म को कभी कभी हम मिक्स कर देते हैं ऑफेंड करें बोलें खुल के बोलें लेकिन अगर फिर आप वो लाइन गलत क्रॉस कर देते हैं तो उसमें जो क्रिटिसिज्म आएगा आप यहाँ मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं उनकी भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है पर जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं एज लॉन्ग एज एक दायरे में गालियाँ दिए बगैर ये डिस्कोर्स और डिस्कशंस हो रहे हैं देर हेल्दी इवन इफ बाउंड्रीज आर बीइंग पुश्ड एंड समटाइम्स थिंग्स आर बीइंग सेड व्हिच मे बी कंसीडर्ड ऑफेंसिव टू मेनी पीपल। बहुत प्यारी बात की आपने मेरी तो भाई रेड लाइन एक ही थी। हेलो आई वांट टू आस्क यू द क्वेश्चन Bingo. There is a single line between, as well as you are saying that there is an old politics and a new politics. There is no politics.
There is no politics. There is only one politics which is behind of that, which is behind the curtain. Thank you very much. ये तुम answer करोगे. Thank you very much. ये तुम करो. Well, good question. First of all. बहुत प्यारी बात की और आप कर चुके हैं बात मेरे ख्याल में सी जवाब. अगर आपने ये लाल टोपी पहनी होती आप वो थे क्या नाम था जायद अहमद. जायद अहमद लग रहे थे आप मुझे. नहीं नहीं आप बहुत अच्छे लग रहे हैं सर. बड़े हैंडसम लग रहे हैं. तो आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं. तो क्या प्रॉब्लम हो गई थी आज चाय पापे नहीं खाए आपने. सर आप सही कह रहे हैं. आप सही कह रहे हैं. मैं जवाब दे देता हूँ सर. आप उर्दू के शायर हैं. आपके अंग्रेजी से लग रहा था सर. आपका जवाब यही है जो आपने कहा. उन्हीं के ऊपर हमने क्रिटिसाइज किया है और हमेशा किया है. और सब आज इस मुल्क में बच्चे बच्चे को ये बात पता चल गई है. जिस दौर में हमारा दौर था जब हम ये सब कर रहे थे थोड़ा मुश्किल था. बट अब सबको पता चल गया कौन बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या होता है. जब भी बोलते हम ये कर रहे थे मुझे लगता है मेरे को गलत काम किया तो सर वो सब क्या हुआ. अभी JIT तो नहीं चल रही आपकी. अच्छा थैंक यू सर. आपका शेर नहीं सुना सर. एक सुनाए ना प्लीज वहीं से. और किताब भी बताएं कब आ रही है. मेरी 3 किताबें आ चुकी हैं. अच्छा माशाल्लाह. तो उसको देखने के बाद हमें कभी नहीं पता. पहली लम्हा लम्हा और दूसरी पूरे तन का अधूरापन और तीसरी जो है वो गूंगी जनता बहरे हाकिम. चौथी भी लिखी सर आप. सर वो तो इंग्लिश के अंदर तो इंग्लिश बोल जाते हैं. आप समझेंगे. मैं नहीं समझूंगा. वो आप ही समझेंगे. अच्छा, क्योंकि आप तो अंग्रेजी को ज्यादा जो ना वो अप्रिशिएट करते हैं और आप यहाँ पर इंग्लिश को जो ना वो ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं उर्दू के बनिस्बत. शेर सुनाएं सर प्लीज. इरशाद. मैं आपको एक जो है ना वो सर पहले मैं सुना दूं. क्यों हो आज तुम खोए खोए. अर्ज किया है क्यों हो तुम आज खोए खोए. इससे बड़ी शायरी कोई नहीं हो सकती. और जो है ना मैं एक सीनियर शायर हूँ. सीरियस शायर हूँ. आपसे आपकी इससे बड़ी शायरी नहीं है. मैं क्या करता. आपने सुना दी बस. इट्स एनफ फॉर मी. ओके थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग अस. Thank you so much and I'm really sorry if I'm being a fantastic audience. Thank you. Thank you so much. माजरत. अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत. ओए मोए.